कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद और पार्टी के चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष किरण चौधरी को विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही होगी। वहीं अल्पमत की सरकार बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नसीहत भी दी, वो राज्यपाल के सामने 44 विधायकों की संख्या को रखें। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में क्या फैसले लिए गए, इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत हुई, एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक हुई, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या फैसले लिए गए, इससे मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखिए, श्री माता मनसा देवी मंदिर एक बहुत ही विशाल सिद्ध पीठ, उसके प्रांगण के अंदर आज माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारियों की, हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय, हमारे नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर, सीईओ माता मनसा देवी, ये अधिकारी और सभी जो हमारे गैर सरकारी मेंबर हैं, उन सब की बैठक हुई कुछ विषयों को लेकर के जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, जिनमें विकास के कार्य, उनके ऊपर समीक्षा हुई। माता मनसा देवी का एक वृहद कॉरिडोर काशी विश्वनाथ के मंदिर के तरह से यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, लगभग 6.5 करोड़ की लागत से, उसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर के, या जो एक भव्य हनुमान वाटिका यहाँ बनने जा रही है उसकी क्या प्रोग्रेस है, उन चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ है। प्रसाद स्कीम के अंदर जो योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, उन योजनाओं के ऊपर भी अधिकारियों ने जानकारी दी है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो आज बोर्ड ने लिए हैं, माता मनसा देवी मंदिर के अंदर जो चार्जेस, वो हमने थोड़ा सा कम किए। जैसे हवन यहाँ प्रांगण के अंदर, माता मनसा देवी प्रांगण में होता था, उसका पहले 3100 लेते थे, अब 2100 रुपये हमने लेने का निर्णय किया। नए व्हीकल जो हैं उनकी खरीद को लेकर के, जो उनकी पूजा करने का था, 2 व्हीलर्स का पहले 500 था, अब 200 रुपये किया है, और 4 व्हीलर का जो पहले 1100 था वो अब 500 रुपये किया है। इसी प्रकार से अन्य जो चार्जेस हैं जो यहाँ पर हमने तय किए हुए हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, बाकी सभी के वही सेम है। तो हर 3 महीने के पश्चात एक रिव्यू मीटिंग श्राइन बोर्ड के अंदर होती है, उसी कड़ी के अंदर ये आज की मीटिंग हुई है। गुप्ता जी, कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने आपको नोटिस दिया है कि किरण चौधरी को डिसक्वालीफाई किया जाए, तो आपने इस पर कोई कार्रवाई की है अभी तक? ये उन्होंने नोटिस नहीं दिया, मेरे पास अपील डाली है कि श्रीमती किरण चौधरी ने दल बदल किया है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर के भाजपा में गई हैं, एक अपील 2 विधायकों की तरफ से, एक आफताब अहमद की तरफ से, दूसरी बीबी बत्रा जी की तरफ से वो आई है, उसके ऊपर नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। गुप्ता जी, आज जो है कांग्रेस विधायक ने मांग की है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए, और उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बेतुकी मांग, जब आज आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी राज्यपाल जी से मिलने जा रहे हैं, मैं तो उनसे कहूँगा कि वो अपने 44 विधायकों को साथ लेकर के जाएं, राज्यपाल के महोदय जी के सामने अपनी जो
संख्या है वो प्रस्तुत करें, और अगर राज्यपाल जी को लगेगा कि वाकई में उनके पास बहुमत है तो निश्चित तौर पर राज्यपाल महोदय उसके ऊपर विचार करेंगे। स्पीकर सर, आफ्ताब अहमद ने आपकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बोलने के ऊपर संविधान के अंदर सबको इजाज़त दी गई है, लेकिन मेरा ये हमेशा प्रयास रहा है कि ये जो अध्यक्ष की गरिमा है, अध्यक्ष पद की गरिमा है, हमेशा बनी रहे, और उसके लिए मैंने पहले भी प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करता रहूंगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि आज श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या फैसले लिए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।